हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और सारे वीडियो लेक्चर्स को सुनते हैं, क्योंकि मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं कई सारे सब्जेक्ट्स के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स। तो आप नॉलेज को बढ़ाइए और सपनों को साकार कर लीजिए। आजकल मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप पहुंचे हैं हम पार्ट 8 पे। हमने डिटेल में हर एक पार्ट में जाना है कि आरबीआई क्यों बना, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है और क्या उसके फंक्शंस हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज जानेंगे कि आरबीआई का डेवलपमेंटल रोल क्या है, कौन कौन सी रिसर्च करता है आरबीआई और उसे जनरल पब्लिक को भी अवेलेबल करवाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। माई डियर लर्नर्स, मैंने आपके साथ शेयर किया है कि आरबीआई के 10 मेन फंक्शंस हैं, जिसको मैंने कई सारे पार्ट्स में आपको समझाया है। मैंने आपको कई सारे पार्ट्स दिए आरबीआई के, करेंसी मैनेजमेंट से लेके फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का, रेगुलेशन ऑफ मनी मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, वह भी बताया है। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आरबीआई का डेवलपमेंटल रोल और आरबीआई का रिसर्च के बारे में क्या रोल है। स्टार्ट करेंगे हम डेवलपमेंटल रोल ऑफ आरबीआई के साथ। पहले पार्ट में हमने जाना था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाने के पीछे मेन मंशा थी इंडिया की तरक्की करवाना, और आरबीआई दुनिया के कुछ ऐसे गिने चुने सेंट्रल बैंक्स में से है जिसने बहुत ही एक्टिवली और डायरेक्ट रोल प्ले किया है इंडिया की डेवलपमेंट एक्टिविटीज को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए। जब हम बात करते हैं आरबीआई के डेवलपमेंटल रोल की, तो ये रोल बहुत ही बड़ा है। स्लाइड में ध्यान से देखिए, इसमें मैंने आपको बताए हैं वह मेन काम जो आरबीआई करता है देश की डेवलपमेंट के लिए। सबसे पहले तो हमारे देश के जितने प्रोडक्टिव सेक्टर हैं, जिसकी मदद से हमारा देश आगे बढ़ता है, हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ती है, उसे वह पैसा उपलब्ध करवाता है, नए नए इंस्टीट्यूशंस बनाता है। इसके ऊपर मैंने आपको बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया में ये काफी डिटेल में सिखाया है। अगली बात, देश में सुविधा हो, कंफर्टेबल और अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विसेज, इस बात का भी खास ध्यान रखता है आरबीआई। कई सारी फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि हमारे लिए कई नई है, उनको भी देश में बढ़ावा देता है। आज की डेट में इंडिया में कई सारे ऐसी सर्विसेज हैं जिन्हें कुछ समय पहले हमने सुना भी नहीं था, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज हो या मोबाइल एप्स हो। उसके अलावा कस्टमर की सर्विस बेहतर हो, ये इंश्योर करवाता है आरबीआई। अगर कोई बैंक कस्टमर के लिए कुछ ऐसा कर रहा है जो उसके अधिकारों के अनुकूल नहीं है, तो तुरंत आरबीआई एक्शन लेता है उसके अलावा। फिर जो बैंकिंग की सर्विसेज हैं, वह सिर्फ बड़े देश में या बड़े शहरों में रहने वालों का अधिकार नहीं, ग्रामीण इलाकों में रहने वालों का भी पूरा पूरा अधिकार है। तो बैंकिंग सर्विस को पूरे इंडिया तक पहुंचाना, इस बात का खास ध्यान रखा जाता है आरबीआई के द्वारा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैंकिंग सर्विसेज सब तक पहुंचाना एक बहुत अहम काम है, इसी काम को निभाते हुए आरबीआई खास ध्यान रखता है कि रूरल क्रेडिट में किसी भी प्रकार की कमी ना आए, ग्रामीण इलाकों तक ये जो क्रेडिट है ये जल्द से जल्द पहुंच जाए। इस बात का ध्यान रखते हुए आरबीआई ने कई सारे स्टेप्स लिए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नबार्ड। अब नबार्ड के बारे में डिटेल में वीडियो लेक्चर मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां से ये सीख सकते हैं। तो नबार्ड ये एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसे ग्रामीण इलाकों में एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए बनाया गया था। आप देखिए जरा स्लाइड की तरफ, यहाँ पर मैंने लिखा है सेक्शन 54 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934, जिसमें ये लिखा गया है कि आरबीआई इस बात का खास ध्यान रखता है कि आरबीआई के अंदर एक्सपर्ट स्टाफ हर समय उपलब्ध हो, जो समय समय पर स्टडी करे और डिवेलप करे
ऐसे एस्पेक्ट्स को जिससे ग्रामीण इलाकों में क्रेडिट को पहुंचाया जा पाए। जब भी नाबार्ड को जरूरत हो किसी प्रकार की हेल्प की, तो वह हेल्प भी आरबीआई के द्वारा दी जाती है, चाहे वो हेल्प पैसे की हो या प्रमोट करने की हो, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। दूसरी बात, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। देखिए, देश में ये प्रायोरिटी सेट करना बहुत ही जरूरी है कि कहाँ कहाँ पैसे की जरूरत है, और इसी को निर्धारित करते समय आरबीआई ने कुछ एक सेक्टर्स रखे हैं जिन्हें खास ध्यान दिया गया है पैसा अलॉट करते समय। इसके अंदर आ जाता है एग्रीकल्चर, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, माइक्रो क्रेडिट, एजुकेशन, जैसे हम एजुकेशन लोन्स की बात करते हैं, घर सबका सपना है उसके लिए हाउसिंग लोन, इसके लिए समय समय पर नए नए नियम और अधिनियम बनाए जाते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में कई सारे चेंजेस किए गए। इसके अंदर फॉर्मल डिस्क्रिप्शन दी गई सन 1972 में, उसमें बताया गया कि प्रायोरिटी सेक्टर कौन कौन से हैं, पर समय बदलता गया तो नई नई गाइडलाइंस आती गई और प्रायोरिटी सेक्टर कौन से हैं इसको दोबारा से रिवाइज किया गया। 30 अप्रैल 2007 को नए नियम बनाए गए। इसके अंदर प्रिंसिपल्स रखे गए कि प्रायोरिटी सेक्टर कौन से होंगे और बैंक को निर्धारित करना पड़ेगा कि एडिक्वेट फ्लो पैसे का जाए इन प्रायोरिटी सेक्टर्स की तरफ, ताकि जो पॉपुलेशन वीकर सेक्शन को बिलोंग करती है या कुछ एक ऐसे सेक्टर हैं जहां पर इम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा जनरेट हो सकती है, वहां पैसा पहले पहुंचे और देश में तरक्की बढ़ती चली जाए। इसी डेवलपमेंट रोल को निभाते समय आरबीआई ने एक बहुत शानदार स्कीम बनाई जो कि थी लीड बैंक स्कीम। इस स्कीम को बनाते समय बहुत ध्यान रखा गया था कि देश में पैसे का जो गैप है उसे किस प्रकार से पूरा करना है। ये स्कीम बनाई गई थी 1969 में। इसमें कई सारे बैंक्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि वह की इंस्ट्रूमेंट की भूमिका निभाएंगे अपने अपने एरिया की डेवलपमेंट करने के लिए। ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते थे जिन ऑफिसर्स का ध्यान होता था कि वह अच्छे से आइडेंटिफाई करे कि ग्रोथ की जरूरत कहाँ पर है, कहाँ से डिपॉजिट्स आ सकते हैं बैंक में, और जो देश में क्रेडिट गैप है हर एक एक डिस्ट्रिक्ट का स्टडी किया जाए और उस पे कंसंट्रेट करते समय अच्छे से काम किया जाए और प्रमोट किया जाए फाइनेंशियल इंक्लूजन को, ताकि हर एक गांव, हर एक शहर गवर्नमेंट के साथ जुड़ के उसकी स्कीम्स का फायदा लेते हुए आगे बढ़ पाए। इसके अलावा किसानों के लिए भी कई काम किए गए, जिसमें से एक मुख्य काम है किसान क्रेडिट कार्ड। ये एक ऐसी स्कीम है जो 1998-99 में इंट्रोड्यूस की गई। इसे रिवाइज किया गया नाबार्ड के द्वारा सन 2004। इस कार्ड का किसानों को बहुत फायदा हुआ, जैसे कि इसमें खास ध्यान रखा गया कि किसानों को टर्म क्रेडिट मिले, पैसा मिले वर्किंग कैपिटल के लिए जो कि उन्हें एग्रीकल्चर करने के लिए चाहिए, और जितनी भी खेती बाड़ी के काम से जुड़ी हुई सर्विसेज हैं उसके रिलेटेड जो भी उनकी कंजम्पशन नीड्स हैं उन्हें पूरा करने के लिए भी उन्हें समय समय पर पैसा मिलता रहे। जैसे कि एक क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है, इस स्कीम के अंदर भी लिमिट्स फिक्स की जाती थी और किस किसान की कितनी लिमिट होगी इसका बेस होता था उसकी ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग, किस प्रकार की क्रॉप्स वो उगाता है और क्या स्केल है उसके फाइनेंस का। सीजन के अनुसार ही खेती बाड़ी होती है तो इसमें सीजनल सब लिमिट्स निर्धारित की जाती थी और यह बैंक की मर्जी होती थी कि वह कितनी लिमिट किस किसान को सेंक्शन करना चाहता है। लिमिट फिक्स करते समय खास ध्यान रखा जाता था कि उसकी पूरी प्रोडक्शन नीड्स क्या है, उससे जुड़ी हुई हर एक नीड का ध्यान रखते हुए ही ये लिमिट तैयार की जाती थी। एक बार जो लिमिट किसी किसान को दे दी जाती थी वह लिमिट 3 साल तक मान्य रहती है, तो कितनी सिक्योरिटी होगी, कितना मार्जिन होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लेना है, ये सब नियम आरबीआई की गाइडलाइंस के द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं
और आरबीआई समय समय पर इन नियमों को बार बार बदलता रहता है। अगली बारी आ जाती है ये देखने की कि किस प्रकार से आरबीआई नेचुरल क्लाइमेटेज यानी कि जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उसके लिए भी रिलीफ मेजर्स को डिजाइन करता है। अब कब क्या हो जाएगा ये तो भगवान के हाथ में है, पर उसे मैनेज करना है आरबीआई के हाथ में। आरबीआई ने स्टैंडिंग गाइडलाइंस दी हुई हैं कि जब भी देश के अंदर कोई आपदा आएगी उस समय क्या क्या रिलीफ मेजर्स होंगे। इसमें ये देखा जाता है कि क्या रीशेड्यूल किया जाएगा। अगर कोई भी शॉर्ट टर्म लोन दिया गया है तो उसे शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म बना दिया जाएगा और दूसरे लोन्स के लिए फ्रेश लोन्स भी दिए जाएंगे क्योंकि आपदा की वजह से बिजनेस जो है वह काफी हद तक बर्बाद हो जाता है। सिक्योरिटी को रिलैक्स कर दिया जाएगा और मार्जिन नॉर्म्स भी नए बना लिए जाएंगे और कई बार इंटरेस्ट के ऊपर भी छूट दे दी जाती है या मॉनिटोरियम पीरियड को भी बढ़ा दिया जाता है और ये 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम किया है, मतलब बड़े बड़े कारोबारी ही नहीं कोई भी कारोबारी जो माइक्रो लेवल पर स्मॉल लेवल पर या मीडियम लेवल पर अपने कारोबार को चलाता है चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का काम करता हो यानी प्रोडक्शन कोई प्रोडक्ट बनाता हो या वो किसी सर्विसेज वाले बिजनेस में हो वो कोई सर्विस देता हो यानी उसे रेंडर भी बोला जाता है किसी सर्विस का देना, उसके लिए आरबीआई ने उनकी डेवलपमेंट के लिए एक्ट बनाया सन 2006 में जिसमें ध्यान रखा गया कि इनको पैसे की कमी कभी भी ना हो। कस्टमर सर्विस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। आरबीआई ने फोकस किया है कि कस्टमर के राइट्स कभी भी हैम्पर ना हो, एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कस्टमर को सर्विस मिले और अगर कस्टमर को कोई ग्रेवियंस कोई शिकायत है उस शिकायत की सुनवाई जरूर हो, ऐसे मैकेनिज्म को बनाया जाए और इस सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए। अगर किसी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए रिड्रेसर सेल बनाया गया है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट को। इसके अलावा सन 1995 में आरबीआई ने बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम इंट्रोड्यूस की थी जिसने कस्टमर को बहुत ज्यादा पावर्स दी हैं। अगर बैंक उसकी नहीं सुनता तो वह बैंक के ऊपर एक्शन ले सकता है और आरबीआई उसे पूरे पूरे अधिकार देता है। तो माय डियर लर्नर्स ये था आरबीआई का डेवलपमेंटल रोल। अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आखिरी फंक्शन के ऊपर चलते हैं जो कि है रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। आरबीआई एक बहुत ही साउंड सिस्टम बनाता है और शुरुआत से ही आरबीआई ने बहुत ध्यान दिया है कि वह पॉलिसी ओरिएंटेड रिसर्च करे। अब आप सोच रहे होंगे कि पॉलिसी ओरिएंटेड रिसर्च क्या होती है। रिसर्च का मतलब होता है खोज करना और आरबीआई कई सारी पॉलिसीज बनाता है तो कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले आरबीआई पूरी पूरी जांच पड़ताल करता है और ऐसा सिस्टम बनाता है कि आरबीआई के द्वारा ऐसी पॉलिसी बने जो कि देश को तरक्की की राह पर लेके चले। इसके साथ ही आरबीआई ने डेवलप कर रखा है एक ऐसा मैकेनिज्म कि जो खोज आरबीआई ने करी उस खोज को डिसेमिनेट यानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, वह डेटा और इंफॉर्मेशन जनता के भी काम आए, वह भी अपने देश के बारे में बिल्कुल सही जांच पड़ताल का हिस्सा बन पाए। अब यहां पर यह जानना बहुत जरूरी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस किस फील्ड में रिसर्च करता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इकोनॉमिक्स फाइनेंस और स्टेटिस्टिक्स के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च करता है और इस डेटा की मदद से उसे इंडिया की इकोनॉमी की बेटर अंडरस्टैंडिंग आती है। क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में पता चलता है और उन्हीं चेंजेस को मैनेज करने के लिए फिर पॉलिसीज बनाई जाती हैं। ये रिसर्च बहुत काम की होती है हमारे देश की एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए।
और इसी रिसर्च से जो डेटा आता है वह देश की फंक्शनिंग में बहुत बड़ा योगदान देता है। इसके अलावा जितने भी पॉलिसी के रिलेटेड नए नए निर्णय लेने हैं, पॉलिसी का जो रिव्यू करना है वह भी इसी रिसर्च में पाए गए डेटा की मदद से ही किया जाता है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि आरबीआई इतनी रिसर्च आखिर क्यों करता है। कुछ रीजंस तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन कुछ कानूनी रीजंस भी हैं, क्योंकि आरबीआई एक्ट के अंदर ये रूल है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हर साल दो रिपोर्ट्स पब्लिश करनी होंगी। एक तो होती है एनुअल रिपोर्ट, जो कि हर साल के एंड में करनी ही करनी है। इसके अलावा एक और रिपोर्ट बनानी पड़ती है, जिसके अंदर आरबीआई ये बताता है कि हमारे देश में क्या ट्रेंड चल रहा है, कितना प्रोग्रेस हमारे देश में हुआ है बैंकिंग का, यानी कितने नए बैंक खुले, कामों ने क्या क्या उन बैंक्स ने काम किए। ये सारी इंफॉर्मेशन भी इन रिपोर्ट्स के द्वारा ही दी जाती है। ये जितना भी काम रिसर्च का होता है, ये आरबीआई का डिपार्टमेंटल लेवल काम होता है। इसमें वे सारे इश्यूज और प्रॉब्लम्स जो कि करंट इन्वायरमेंट में चल रहे हैं, उन्हें स्टडी किया जाता है। पर इस रिसर्च का, इस खोज का स्कोप बहुत ही बड़ा है। इसे पूरे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर किया जाता है। बाहरी दुनिया में जो काम हो रहा है, हो सकता है उन चेंजेस की बहुत इम्प्लीकेशंस हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी आए, तो इन्हीं जरूरी बातों के ऊपर पूरी खोज की जाती है। फिर वह जो डेटा निकल कर आता है उसके ऊपर एक्सपर्ट्स फर्दर रिसर्च करते हैं, और बाहर की दुनिया का और हमारे इंडिया का तालमेल बिठाकर इंडिया को तरक्की की राह पर लेकर जाया जाता है। जितना भी डेटा इकट्ठा होता है, उस सारे डेटा को डिसेमिनेट कर दिया जाता है। डिसेमिनेट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट। अब किसको करना है ये डेटा डिस्ट्रीब्यूट? ये आरबीआई की वेबसाइट पर भी होगा। समय समय पर प्रेस रिलीज किए जाएंगे। आरबीआई कई सारी पब्लिकेशंस करेगा, जो कई वीकली होंगी, मंथली होंगी, क्वार्टरली होंगी या एनुअल होंगी। इसके अलावा पीरियोडिकल समय समय पर स्टेटमेंट्स जारी की जाएंगी मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर। जरूरत पड़ने पर आरबीआई के रिप्रेजेंटेटिव स्पीच देंगे या मीडिया को अपनी इंटरव्यूज देंगे, जिसमें वे बताएंगे कि हमारी इकोनॉमी में क्या हो रहा है और जो नई पॉलिसी आई है या पॉलिसी में चेंज किया गया है उसकी मेन वजह क्या है। इस डेटा को कई पार्टीज यूज करेंगे। इसे यूज करेंगे मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो कई बड़े बड़े बिजनेस हाउस, मीडिया इन खबरों को चलाता है, एकेडेमिक्स में पढ़ाई की जाती है उन रिपोर्ट्स के ऊपर। इसके अलावा जो प्रोफेशनल्स हैं, जो कई तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वे भी अपने जो फ्यूचर डिसीजंस हैं इसी डेटा के बेसिस पर लेते हैं। यहाँ पर एक और बहुत जरूरी बात है। जैसे कि मैंने बताया, इंडिया बाहरी देशों के साथ अपना कारोबार बढ़ाना चाहता है, तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में इंडिया ने एक डील साइन की थी और इसमें वह सिग्नेटरी बना, जिसमें यह उन्होंने वादा किया कि वह स्पेशल डेटा डिसेमिनेशन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे और अपने देश के रिलेटेड जितना मीनिंगफुल डेटा है उसे समय समय पर रिलीज करते रहेंगे जनता के लिए। तो इसके साथ ही हमारा आज का वीडियो लेक्चर कंप्लीट हुआ, और साथ में हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का टॉपिक भी 8 पार्ट्स में कंप्लीट कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको आरबीआई के बारे में पूरी पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई है और अब आप इस टॉपिक के साथ दोस्ती कर चुके हैं। तो हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो मैं मीनाक्षी बजाज अभी तो कहती हूँ गुड बाय, पर आपको मिलूंगी बहुत जल्द।